हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो 11th चैप्टर है पेपर बी का, ठीक है। ये उसका सेकंड वीडियो है। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इसमें मैं लेके आ रही हूँ आपके नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक के वीडियो। पेपर ए हमारा कवर हो गया है एंड पेपर बी हमारा ऑलमोस्ट 90% जो फिनिश हो गया है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। इस पे मैं हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा नितिन सांगवान की सीरीज, तो इस पे मैं बाकी चीजें भी लेके आऊंगी, जैसे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग या आपके जो नेहा भोसले मैम के नोट्स हैं उनकी कुछ समरीज एंड आपके कुछ रिविजन सीरीज एंड एडिशनल थिंकर्स के कुछ वीडियोज, तो वो सारा इस पे चलेगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप जेके एस एस बी, जिसके अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी चैनल पे, अगर आप जेके एस एस बी के एस्पिरेंट हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए नहीं है। ये आप उसी केस में देखेंगे अगर आप स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप चाहें आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में वो हार्ट के अंदर डॉलर साइन वाला सिंबल दिख जाएगा वहां से, या अगर आप चाहें आप वॉलंटियरली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी चैनल की तरफ। मेरा यूपीआई आईडी आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया से हम आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, आपको पता है कॉलोनियल रूलर्स, उन्होंने ऑल्दो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का काम या इंडस्ट्री सेटअप वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे किया था, ठीक है। कुछ इन्वेंशन जो है उनके थ्रू यहाँ पे लाई गई थी इंडिया में, लेकिन उसमें जो उनका मोटिव था वो एक सेल्फिश मोटिव था। उनको इंडिया को डेवलप नहीं करवाना था, ठीक है। उनका बेसिकली था रॉ मटेरियल्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करना और फिनिश्ड गुड्स वहां से अपनी कंट्री में जाके बनाना, उनका मैन्युफैक्चर जो है अपनी कंट्री में उसको इम्प्रूव करना एंड इंडिया को एज मार्केट ट्रीट करना, जहां पे वो उन गुड्स को फिर कॉस्टली टर्म्स कॉस्टली प्राइसेस पे बेचेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लॉप साइड पॉलिसीज थी, दैट मींस ये एक ही तरफ जो है फायदा ले रही थी। फाइन, तो बायस थी टुवर्ड्स कॉलोनियल रूलर्स को हम लॉप साइड बोलते हैं। एंड इस रीजन की वजह से जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो पॉलिसी मेकर्स को पता था हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ साथ हमें एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इंडिया जो है मेनली एग्रेरियन सोसाइटी है। फाइन, तो एग्रीकल्चर यहाँ का अगर अच्छा डेवलप्ड होगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहेगा, लोगों के लाइवलीहुड के लिए काफी अच्छा रहेगा। ब्रिटिशर्स ने हमने पॉलिसीज देखी जो एग्रीकल्चर में लेके आए थे, और हमें ये भी पता है कि जो प्रेजेंट्स हैं उस टाइम के कि उनका कितना बुरा हाल हो गया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी एंड जो लोग एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड थे उनकी लाइफ भी जो थी काफी मिजरी में गुजर रही थी, काफी फेमिन्स वगैरह भी उनके टाइम पे यहाँ पे आए थे। तो अब देखते हैं हम फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या आगे इंप्रूवमेंट हुई। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि लॉप साइडेड पॉलिसीज थी, ये थी टुवर्ड्स, ये फेवर कर रही थी सिर्फ कॉलोनियल रूलर्स को, ठीक है, वन साइडेड पॉलिसीज थी। तो पॉलिसी मेकर्स को लगा कि हमें इक्वल एम्फेसिस देना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी। तो काफी जो लीडर्स हैं इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, वो इम्प्रेस थे बाय द सोवियत मॉडल, ठीक है। तो सोशलिस्ट थे नेहरू स्टार्टिंग से ही, वो सोवियत मॉडल से काफी इंप्रेस्ड रहे थे। तो सोवियत मॉडल क्या होता है बेसिकली, इसमें ऑल्दो आपका जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो चलेगी, लेकिन उसमें जो मेन जो ड्राइवर होगा, जो इन सारी चीजों को चलाएगा, जो की रोल प्ले करेगा, वो कौन होगा? आपका स्टेट। दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट आएगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, जो उन फैक्ट्री से प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को लेके हम वेलफेयर एक्टिविटीज जो है वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेनली जो मॉडल है ये वेलफेयर ऑफ द मासेस पे डिपेंड करता है, वेलफेयर ऑफ द मासेस के लिए चलता है ये मॉडल, सोवियत मॉडल, ठीक है। तो वो काफी इंप्रेस है इस मॉडल से एंड उन्होंने चाहा कि वही मॉडल जो है वो इंडिया में भी लेके आए। तो ये जो सोवियत्स हैड नॉट ओनली रिड्यूस पॉवर्टी बाय दिस मॉडल सिग्निफिकेंटली एंड हैड ऑल्सो मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में ही एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सोवियत वहां पे ग्रो किया था, ठीक है, एंड वो पॉवर्टी भी रिड्यूस कर पाए थे, क्योंकि उनका मॉडल ऐसा था कि वो चेक करते थे प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है, प्रिवेंट करते थे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये उनका मॉडल था। तो हमने यहाँ पे प्लान इकोनॉमिक मॉडल लाया, प्लान मॉडल उसको बोलते हैं या मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, मिक्सड इकोनॉमी। तो बेसिकली वो क्या होती है, उसमें ऑल्दो कुछ प्राइवेट ओनर्स होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती रहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसमें जो है पॉलिसीज वगैरह लेके आती है एंड प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा,
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम एंड वेलफेयर मेजर्स का काम, वो सारा किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के अंडर। तो यही एक मॉडल था जो किसने अडॉप्ट किया था? इंडिया ने। तो इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ हैंडफुल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो नए इंडस्ट्रियल एरिनाज में वेंचर कर पाए थे, ठीक है। और अर्ली अप्रोच जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, टॉप डाउन अप्रोच था। टॉप डाउन अप्रोच में आपको बार बार बोला है कि बेसिकली आप टॉप क्या की जो लेवल है, जो लेयर है, आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। एंड फिर ये इस थॉट प्रोसेस पे बेस्ड होता है कि जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन करेगा टू द लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस हैवी इंडस्ट्रीज को दी गई थी, जैसे आपकी ऑयल एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, ऑयल एंड शिप इंडस्ट्रीज हो गई, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। इसको काफी नामों से, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है जो यहाँ पे मेंशन है। और इस मॉडल को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमने क्या सेटअप किया था? प्लानिंग कमीशन, जिसको अब किसने रिप्लेस किया है? नीति आयोग ने। तो 5 ईयर प्लान हम बनाते थे ऑन द लाइंस ऑफ सोवियत मॉडल। तो ये सब चलता था इंडिया में। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से आपके क्या बेनिफिट्स रहे, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। हमने ये पहले भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अब इसके अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस देखेंगे। इंडस्ट्री ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ मोर देन 7% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 प्लान्स, तो अच्छा रहा, लेकिन लॉन्ग रन में इसकी कुछ हमें लिमिटेशंस देखने को मिले। इनफैक्ट पॉलिटिकली ऑल्सो जो लीडर्स थे लाइक वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड गांधीन सी गोपाल राजगोपालचारी जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया इसको, कहा कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने कहा आप स्टेट का कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो गवर्नमेंट किसके थ्रू कंट्रोल करवाएगी? ऑब्वियसली अपने ऑफिसर्स के थ्रू। तो इसीलिए बोला जाता है इस मॉडल में जो थी फ्रीडम ट्रेड की काफी कम दी गई थी, ठीक है, एंड इस पर जो कंट्रोल थे और चेक्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, वो काफी ज्यादा लगाए थे। स्टेट इंटरफेरेंस जो थी वो काफी ज्यादा थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे सी राजगोपालाचारी ने टर्म कॉइन किया था लाइसेंस परमिट राज, इसको लाइसेंस परमिट राज भी बोलते हैं। इस वजह से क्योंकि काफी ज्यादा जो है परमिशंस लानी पड़ती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को हर काम के लिए, तो फ्री ट्रेड बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, काफी चेक्स उन पे इम्पोज किए जाते थे, तो हर काम के लिए उनको लाइसेंसिंग वगैरह जो है वो इशू करवानी पड़ती थी। दैट मीन्स उनको काफी ज्यादा और स्ट्रिक्ट टर्म्स में ओवरलुक किया जाता था इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो इस टर्म को किसने क्वाइन किया था? सी राजगोपालाचारी ने। टू डिपेक्ट द स्टेट लेड इनएफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम दैट इंडिया अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, यही इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया ने मॉडल अडॉप्ट किया उसको डिपेक्ट करता है। एक्सेसिव कंट्रोल एंड लाइसेंस कोटा रिजीम जो था, इट स्टिफल द नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस अगर आप लगाओगे एंड फ्रीली इनको इंडस्ट्रियलिस्ट को काम नहीं करने दोगे, तो उसका असर आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है। तो इनएफिशिएंसीज जो थी इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस रेगुलेशंस लाइक, अच्छा यहाँ पे हाँ, द पब्लिक सेक्टर विच वॉज थॉट ऑफ गिविंग कमांडिंग हाइट टू द इकोनॉमी प्रूव्ड एंड इनएफिशिएंट जगरनॉट विद सम नोटेबल एक्सेप्शंस, ठीक है। ऑल्दो कुछ हेयर एंड देयर अगर आपको कुछ अच्छा देखने को मिला भी होगा, कुछ ग्रोथ हुई भी होगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये उतना बेनिफिशियल मॉडल नहीं रहा जितना सोवियत में था, ठीक है, एंड उतना बेनिफिशियल नहीं रहा जितना इसको लीडर्स ने फोर्सी किया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अज्यूम किया था कि काफी सक्सेसफुल रहेगा, उतना सक्सेसफुली नहीं था। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है इंसुलेटेड इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन एंड प्रिवेंटेड इंडियन एंटरप्राइज एंड आउटसाइड एक्सपोजर। मैंने आपको कहा हम फॉलो करते थे इस मॉडल के अंदर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस कर देना, ठीक है, किसको रिप्लेस करना? इम्पोर्ट्स को। दैट मीन जो बाहर से आप जो भी इम्पोर्ट करवाते हो अपने कंट्री में, आप उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो इसका क्या मतलब हो गया? आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दो, यहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर करो, और डोमेस्टिक फैक्ट्रीज पे ध्यान दो, यहाँ चीजें मैन्युफैक्चर करो और उनको एक्सपोर्ट करो, ना कि आप सब कुछ बाहर से मंगवाओ, ठीक है। तो ये था इन्होंने, ऑल्दो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तो बात करी, लेकिन क्या इससे क्या प्रॉब्लम्स हुई कि एक्सटर्नल कंपटीशन से इंडिया जो है वो हट गया। क्योंकि जब चीजें बाहर से आएंगी, बाहर के मार्केट से आएंगी, तो ही यहाँ के मार्केट को पता चलेगा कि बाहर किस तरीके की चीजें बन रही हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। एंड इसने क्या किया? प्रिवेंट किया इंडियन एक्सपर्टीज को इन आउटसाइड एक्सपोजर, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड एक्सपोजर भी बंद हो गया जब बाहर से प्रोडक्ट्स ही नहीं आए, जब बाहर के मार्केट को यहाँ के मार्केट के साथ इंटीग्रेट ही नहीं किया, तो उनकी इंडस्ट्रीज के साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ये सारी चीजें। एंड सेकेंडली इसने टेक्नोलॉजी का भी असर लाया, क्योंकि जब आप बाहर से प्रोडक्ट्स नहीं ला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपनी ही टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो दैट मीन्स आप टेक्नोलॉजिकली भी थोड़ा क्रिपल्ड हो गए।
इट लेड टू इनएफिशिएंसीज इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी हो गई. एंड देन आपने ऐसी रेगुलेशंस लाई, लाइक इसको बोला जाता है MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. ये क्यों लाया गया था? 1969 में इसको इम्प्लीमेंट किया था प्रिवेंट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. ठीक है, उस कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट लाया था. बेसिकली इसमें क्या बोलते थे, जो मोनोपोलीज है उनको कंट्रोल करना. मोनोपोली क्या होता है, जब कोई एक ही प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में बाकी सारे प्रोडक्ट्स को ओवरशैडो करे तो बोलते हैं कि उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोलगेट टूथपेस्ट जो है वो यूज करो एंड बाकी सारे जो है टूथपेस्ट है वो उनको ओवरशैडो कर ले, दैट मीन्स कोलगेट की मोनोपोली क्रिएट हो रही है मार्केट में. तो ये क्या, ये एक्ट ऑल्दो बोलते थे कि हमें मोनोपोली जो है उसको कंट्रोल करना है कुछ इंडस्ट्रीज की, लेकिन ये कंट्रोल करने के चक्कर में उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस है वो और ज्यादा बढ़ाई. एंड यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि इंडिया तब डेवलप हो रहा था, बिल्कुल नैसेंट अर्लियर स्टेजेस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे अब काम आना शुरू हो गई थी. अगर स्टार्टिंग में ही आप इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहेगा. ठीक है, जो यहाँ पे इंडिया में देखा गया, ये इट वेंट अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जो थी वो बहुत ज्यादा थी. देयर वॉज एन अवेयरनेस अबाउट द सिस्टमैटिक वीकनेस इन 1960s itself. तो 1960s में ही ये पता चल गया था कि कुछ वीकनेसेस हैं. इसी वजह से क्या किया गया था, इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया था एक्सपोर्ट्स को स्टिमुलेट करने के लिए. दैट मीन्स कहीं से हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए और जो हमारा काम है इंडस्ट्रीज वगैरह इकोनॉमी अच्छे से रन करे. इंडियन करेंसी को क्या किया गया था, डीवैल्यू किया था. देखो ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको हल्का यहाँ पे बता देती हूँ, बाद में आप डिटेल में इकोनॉमी में पढ़ोगे. ये बेसिकली एक तो क्या होता है, आपकी करेंसी की वैल्यू आप सुनते हो डिप्रिशिएट होगी, वो खुद से कम हो जाती है. लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो आपका सेंट्रल बैंक है दैट इज जो RBI, वो क्या करता है, कभी अगर ऐसा लगे मार्केट की कंडीशन सही नहीं है कि आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आप क्या करोगे, अपने जो करेंसी है रूपी आप उसको क्या करते हो, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देते हो अगेंस्ट जो हमारा स्टैंडर्ड, क्या हम किसके साथ करते हैं कंपेयर, US डॉलर के साथ. ठीक है, तो US डॉलर की कंपैरिजन में आप अपनी रुपी को डीवैल्यू करते हो, उसकी वैल्यू और कम कर देते हो. इससे क्या होता है, आपको एक्सपोर्ट्स को फायदा हो जाता है, एक्सपोर्ट्स स्टिमुलेशन हो जाती है. अब वो कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो अगर US डॉलर 1.50 rupees इसकी वैल्यू है. ठीक है, ये हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने 50 वैल्यू ली हुई ताकि कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊं. आप क्या करोगे, इसको डीवैल्यू करोगे. अब आप 1 US डॉलर को 60 rupees का कर दोगे, दैट मीन्स आपने रुपी को ज्यादा किया. तो उसका क्या मतलब हुआ, आपके रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो गई. ऑब्वियसली 1 डॉलर पहले 50 rupees का था, अब 1 डॉलर की जगह आपको 60 rupees मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपकी रुपी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है. और यहाँ पे वर्ड डी वैल्यू लिखा गया हुआ है, दैट मीन्स इट वॉज डिलिबरेटली जो है वैल्यू है इसको डिलिबरेटली डिप्रिशिएट किया गया था बाय गवर्नमेंट. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी अब एक्सपोर्ट स्टिमुलेशन कैसे हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपकी पेन की फैक्ट्री है एंड आपका जो प्रॉफिट है फॉरेन से वो आता है $100. ठीक है, तो $100 अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आपको $100 की जगह, या चलो $1000 आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आपको कितना मिलेगा, 1000 into 50, क्योंकि यहाँ पे 50 है वैल्यू इसकी आपके करेंसी की अगेंस्ट US डॉलर, तो आपको 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जब वैल्यू डी वैल्यू किया गया करेंसी को तो अब आपका $1 की जगह आपको क्या मिल रहा है, 60 rupees. दैट मीन्स $1 की जगह 60 rupees, दैट मीन्स अगर $1000 प्रॉफिट अब आप ले रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट आएगा, 60,000. तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पे आप ध्यान दोगे क्योंकि वहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है. ठीक है, तो जितनी रुपए की वैल्यू कम होगी जितना पैसा बाहर से आएगा आपको प्रॉफिट, जो भी एक्सपोर्ट के चलते ही आएगा ना, अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर भेज रहे हो चीजें वहां से आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसमें आपको काफी फायदा होगा. ठीक है, तो जो भी ऐसे किसी बिजनेस में है जिनकी पेमेंट फॉरेन से आती है, चाहे वो यूट्यूबर्स हो या कोई और हो या कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, तो उनको काफी फायदा होता है जब रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है अगेंस्ट योर US डॉलर. ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है. अवेयरनेस थी अबाउट द सिस्टमैटिक वीकनेस इन 1960s itself when the Indian currency जो है इट वॉज devalued and some strings on the tight trade regime were loosened and regime after regime, चाहे वो कांग्रेस हो जनता गवर्नमेंट हो, choose to ignore the structural limitations of the Indian economy. ठीक है, तो structural limitations जो थी वो अभी भी
उनने उसको एड्रेस नहीं किया था, और वो फाइनली कब एड्रेस हुआ, क्योंकि अभी तक हमारा एक काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्लोज मॉडल ही है, अभी हम ओपन नहीं हुए हैं बाहर से बिजनेस करने के लिए उस तरीके से, ठीक है। तो वो फाइनली कब हुआ एक अच्छे लेवल पे, जब हमने एलपीजी मॉडल लेके आए थे हम 1991 में, वो हम आगे देखेंगे। अब ये देख लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या हाल था, कॉलोनियल एरा में बहुत कम था, फिर 1950 to 60s थोड़ा थोड़ा ये होने लगा जब मैंने कहा एक्सपोर्ट स्टिमुलेशन पे काम किया गया, ठीक है। उसके बाद 1991 के बाद ये कितना इंक्रीज हो गया, क्योंकि तब ये पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा है, हमने एलपीजी मॉडल जो है अडॉप्ट किया था, एलपीजी जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, जिन्होंने ये मॉडल जो ये मॉडल लेके आए थे। अब आप सोचो 1960s में ही ऐसा क्यों हुआ था, अगेन आपके इकोनॉमी का पार्ट है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि तब ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा थी, ठीक है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो रही थी उस टाइम पे, एंड इंडिया में जो है एक फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा हो गया था। फिस्कल डेफिसिट होता है जब इंसान अपनी औकात से बाहर खर्चने लगता है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वो मूवी आई थी ना उसका टाइटल वही फिस्कल डेफिसिट है, कि आपकी जो अर्निंग है वो कम है एंड आपकी जो स्पेंडिंग है वो एक्सीड हो रही है, अब आपको ज्यादा खर्चना है, लेकिन आपका जो रेवेन्यू आ रहा है चाहे वो टैक्सेस के फॉर्म में हो या इनकम जहां से भी गवर्नमेंट को आती है, वो कम है आपकी स्पेंडिंग से। आप उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो, बोरोइंग, आप लोन ले लोगे बाहर से, तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता कंट्री डेट में चली जाती है, कर्जे में डूबती है, ठीक है, अपने स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि जो आपका रेवेन्यू है आप कमा रहे कम हो, खर्च आप ज्यादा कर रहे हो, तो ये वैसा वाला टाइम था। इस वजह से क्या किया गया था, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत जो है हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान देना शुरू किया था और एक्सपोर्ट स्टिमुलेशन जो है वो करना शुरू किया था अपने, इसीलिए करेंसी को डिवैल्यू किया था। अमिट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोरोइंग्स, ये बोरोइंग्स मैंने आपको कहा यहाँ पे क्यों हम ये बोरोइंग्स कर रहे थे, क्योंकि हम अपनी औकात से बाहर खर्च रहे थे। द फिस्कल डेफिसिट रीच अनसस्टेनेबल लेवल्स ऑफ 10% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत ज्यादा है, पब्लिक डेट जो है वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं क्या क्या हुआ था, तो ये आप याद रख लोगे, ठीक है। दो इंडिया ग्रीव एट एन एवरेज ऑफ 5.5% इन डेकेड, इतना it had a reasonably moderate inflation rate, it was largely debt led growth based on the huge government expenditures and deficit, to debt led growth hi ho jayegi aapka, karze wali growth hi ho jayegi, kyunki aap bahut zyada karza utha rahe ho bahar se, kyunki aapki apni jo income hai wo kam hai aapki spending se, spending jo hai wo exceed ho gayi hai income se। It was only in 1980 कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सीरियसली स्टार्टेड टू थिंक ऑफ मेकिंग इकोनॉमी फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल शैकल्स। अब आपको खुद को इम्प्रूव करवाना है बोरोइंग करके नहीं, लेकिन आप चाहते हो आपकी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है आपकी इकोनॉमी पे, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है वो हट जाए और इकोनॉमी ही आपकी इम्प्रूव हो जाए, आर्टिफिशियल ग्रोथ नहीं हो कि डेट लेट ग्रोथ बढ़ रही है। डेट लेट ग्रोथ जो होती है जो आप कर्जे से बाहर से पैसा ला के खुद को ग्रो करवा रहे हो वो आर्टिफिशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। 1980s के टाइम पे क्या हो गया, इंडियन गवर्नमेंट हैड एक्युमुलेटेड एन अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट काफी ज्यादा था, एंड बाहर क्या चल रहा था वर्ल्ड वाइड, गल्फ वॉर हो रही थी 1991 में। अब इससे क्या होगा, आपके जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि वॉर्स के टाइम पे, लड़ाइयों के टाइम पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो जाती है, आपके ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीजें, और इस चीजों में क्या हो रहा था, हमारी अपनी जो ग्रोथ थी वो भी कुछ खास नहीं थी, फाइन, हमें राइज इन ऑयल प्राइसेस जो हो गए थे उससे सिचुएशन ऑफ इंडिया इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट एज एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस आल्सो शॉट थ्रू द रूफ, तो जो एक्सपोर्ट खर्चा था वो भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट्स उतने ज्यादा नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा है एंड लोन इंटरेस्ट हमें काफी ज्यादा देने पड़ते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे जो है वो कम होना शुरू हो गए, फॉरेक्स रिजर्व हुआ जो भी इंटरनेशनल पेमेंट हमारी आती है डॉलर्स में वो इस रिजर्व में जाता है फॉरेक्स रिजर्व में, तो वो हमारे पास रहता है अगर हमें एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ पे करना होता है या ऑयल हम लेते हैं उसके लिए अगर हमें डॉलर्स वगैरह में पे करना है तो वो हम फिर इसी रिजर्व से करते हैं। While the borrowers were now cautious, India faced an immediate crisis when its foreign exchange reserve, जो आपको forex reserve है, इसको foreign exchange reserve बोलते हैं, were down to just 1 billion in mid 1991, और ये इतना कम था कि सिर्फ 3 weeks का जो exports का खर्चा है वो यहाँ से निकल सकता था, तो काफी बुरा हाल था। ऐसे में क्या हुआ, इंडिया ने कहा इमीडिएट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ borrowings from institutions like IMF, International Monetary Fund and foreign banks।
एंड द बोरिंग वॉज ऑफर्ड कंडीशनली। अब इनको क्या किया, इनको अब रिलीफ चाहिए था, इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ड्राई होने लगा, तो वो कहां से आया, वो IMF और फॉरेन बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हेल्प करने को कहा, ठीक है हम आपको दे देंगे जो आपको चाहिए लेकिन किसी कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या थी कि गवर्नमेंट को काफी ज्यादा गोल्ड रखना पड़ा था बैंक्स इन इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड में 1991 अराउंड द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1991 टू गेट लोन्स एंड टू अवर्ट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, उन लोन्स के लिए काफी ज्यादा गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड में जमा करवाना पड़ा था ताकि वो अवर्ट कर सके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP क्राइसिस को शॉर्ट में बोलते हैं, अगेन इकोनॉमी में आप पढ़ लोगे। तो होता क्या है बेसिकली, जब जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है उनसे जो पैसा आता है, कितना पैसा आएगा एंड कितना पैसा बाहर जा रहे हो उसका डिफरेंस क्या है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब आपका जो पैसा है वो काफी कम रह गया है आपके पास, काफी कम पैसा आ रहा है एंड काफी ज्यादा बाहर चला गया है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है, डिटेल में इकोनॉमी में पढ़ोगे, यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है, बस आपको इतना समझना है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया था, हेल्प ली गई थी IMF एंड फॉरेन बैंक से, फाइन, एंड उसने क्या कहा था, हम हेल्प करेंगे लेकिन एक कंडीशन पे कि गोल्ड जमा करवाओ इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड वाले बैंक में, तो वो किया गया था। तो लेकिन इससे ये भी पता चल गया था इनको, ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस लानी है, एंड उस टाइम पे मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनने एक ये किया था, नरसिम्हा राव लेड गवर्नमेंट में स्टेप्स लिए थे रिफॉर्म करने के लिए और लिबरलाइज करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को, एंड सब्सिक्वेंटली LPG मॉडल को 1991 में लाया गया था एंड इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया था। ठीक है, there was enormous pressure from the international organizations like IMF and World Bank from where India was seeking bailout. अब देखो क्या होता है, अगर आपके अपनी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, यू विल गो टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वहां से बोरोइंग के लिए, लोन लेने के लिए। जैसे हमारी प्रॉब्लम थी फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे ड्राई हो रहे थे, तो हम कहां चले गए, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के पास। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है मेंटेन नहीं रहने देता, क्योंकि अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो आपको उसकी कंडीशंस भी माननी पड़ेंगी, एंड इसीलिए इंडिया पे काफी प्रेशर था, क्योंकि अभी इसने बोरिंग्स वहां से करी थी कि इसको अंदर कि इसको अपने अंदर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी है, एंड इसीलिए इस चीज को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो इंडिया ने किया, दैट मीन्स अपने अंदर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई थी इंडिया ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइन, जिसने क्या किया, विच इन्वॉल्व डीरेगुलेट करवाया एक्सचेंज रेट को, जैसे मैंने कहा डीवैल्यू करते हैं करेंसी को, ऐसी सारी और चेंजेस लेके आना, लाइसेंसिंग सिस्टम को थोड़ा रिलैक्सेशन करना, डूइंग अवे विद कोटास, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हमने अलग टैरिफ्स लगाए होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की होती है उनको हटाना, रिडक्शन इन टैरिफ्स, ओपन करना एक्सटर्नल ट्रेड को, एंड MRTP एक्ट जैसे जो लेजिस्लेशन है उनको एंड करना, FDI FII एंड फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो ऑन। तो ऐसे सारे रिफॉर्म्स लेके आना और ऐसी सारी चीजें लेके आना जो आपकी जो कंट्री है उसका जो ट्रेड रिलेटेड चीजें हैं, ट्रेड रिफॉर्म्स हैं, फाइन, और जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं उनको थोड़ा बेटर करे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फिस्कल करेक्शंस करना, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आना, फाइन, इससे क्या हो जाएगा आपकी इकोनॉमी जो है वो उसको बूस्ट मिलेगा एक, क्योंकि अब अगर ट्रेड जो है वो काफी अच्छे से हो जाएगा कंट्रीज के बीच में, दैट मीन्स ज्यादा ट्रेड मतलब पैसा ही पैसा। What China started doing in 1970s, India ने कब किया 1990s में, ठीक है, चाइना ने यही पॉलिसी कब अपनाई थी 1970s में, इसीलिए वो अभी भी हमसे आगे। Not only the external sector was given attention to, जो internal working है economy की and government की थी, it was also to be restructured, क्योंकि state का interference जो था काफी ज्यादा था उसको भी कम करना था, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लाई गई थी। डी लाइसेंस किया गया था बाकी एरियाज को भी, अपार्ट फ्रॉम द फ्यू क्रिटिकल इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, न्यूक्लियर, रेलवे एटसेट्रा, बाकी सबको डी लाइसेंस ग्रेजुअली जो है वो करना शुरू किया था। जैसे मैंने कहा लाइसेंस राज वाला टाइम था, आपको हर चीज के लिए लाइसेंस लानी थी, आपको हर काम के लिए परमिशन लानी थी, उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता इन्हें लूजन अप किया था। तो सब्सिक्वेंट रिफॉर्म, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कंटिन्यू किया इस चीज को, and it was reflected in the disinvestment of the government stake from various public sector units like BSNL, Air India and so on. अभी recently Air India में क्या किया, government ने disinvestment किया, disinvestment होता है जो government अपने stake होती है, अपनी shares होती है वो बेच देती है किसी private owner को, तो जितने percent shares government के थे वो किसके पास चले जाते हैं, private ownership के पास, ठीक है, private owners के पास। जैसे recently Air India में disinvestment किया government ने, तो जो Tata है उनने क्या किया, 100% शेयर्स जो है, 100% जो है ओनरशिप एयर इंडिया की ले ली, ठीक। तो फिस्कल डिसिप्लिन के लिए और बेटर फिस्कल पॉलिसीज के लिए
कुछ एक्ट लेके आए थे, जैसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन को, इन अ बिड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए टू द 3% ऑफ जीडीपी, इनने एक लिमिट रखी कि जो फिस्कल डेफिसिट है आपका वो सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, फाइन, जो एक टाइम पे कितना हो गया था 10%, जैसे हमने अभी देखा। जीएसटी लेके आए थे, ठीक है, एंड 2012 में रिटेल सेक्टर जो है इट वॉज ओपन फॉर 51% इन एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ऑल्टर आफ्टर सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन फ्रॉम द वेरियस सेक्शंस। तो क्या किया गया था, जो रिटेल सेक्टर है उसमें एफडीआई को 51% जो है वो ओपन कर दिया गया था। तो ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है पॉलिसीज वो लेके आते हैं, फाइन। तो ये सारी जो चीजें एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर आप इन डिटेल में याद नहीं भी रखोगे पर एटलीस्ट आपको इतना एक आइडिया होना चाहिए कि इकोनॉमी जो है आपकी कैसे आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती गई, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन लाइक न्यू एंड न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन 2020 में, फ्रीइंग द लास्ट फ्यू रिमेनिंग सेक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे हमने एयर इंडिया की एग्जाम्पल में आपको कही, इट वॉज सोल्ड टू टाटा ग्रुप, डिस इन्वेस्टमेंट की थी एयर इंडिया में गवर्नमेंट ने, एंड 100% ओनरशिप किसके पास चली गई, टाटा ग्रुप के पास। तो 2021 की रिसेंट एग्जाम्पल है, ये लिख के आओगे आंसर में तो काफी अच्छा रहेगा। हिस्ट्री इज अ विटनेस दैट अ कंट्री विच वैल्यूड इनोवेशन एंड चेंज हैज प्रॉस्पर्ड, ठीक है, जहां पे भी इनोवेशन एंड चेंज को पे ध्यान दिया गया है उस कंट्री ने तरक्की की है। 20th century यूएसए रूल्ड द रूस बिकॉज इट वैल्यूड इनोवेशन, ठीक है, चाइना ने वही सेम चीज सीखी, बाकी जो हमारे एशियन काउंटर पार्ट्स हैं लाइक चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इसीलिए इतने फॉरवर्ड रहे क्योंकि इनोवेशन पे इन्होंने काफी ज्यादा जो है काम किया। लेकिन इंडिया में उतना नहीं हुआ, जो इस चीज से प्रूव होती है कि काफी कम खर्च करते हैं हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, विच हैज रिमेन स्टेग्नेंट स्टेग्नेंट अराउंड 0.6 to 0.7% ऑफ जीडीपी ओवर द पास्ट डिकेड्स। तो काफी कम हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च रहे हैं, दैट मीन जब हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं इनोवेशन को तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि हम प्रॉस्पर करेंगे, ये इसके कहने का यहाँ पे मतलब है। इंडिया हैज जस्ट अराउंड 160 रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू 1120 इन चाइना एंड 880 इन इसराइल। तो ये वाला थोड़ा बहुत डेटा जो है अच्छा रहेगा आपके लिए, जीएस के लिए भी, ऐसे में भी काम आएगा, तो ये आप याद रख सकते हो। वाइल इंडिया लैग बिहाइंड इन मेनी एरियाज, अब किस एरियाज में इंडिया ने अच्छा काम किया था, एक आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, फार्मा सेक्टर एंड आपका आईटी सेक्टर, ठीक है। यहां देख लो 1984 में द देन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू कंप्यूटर पॉलिसी एज गेव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज को दिया गया, आईटी सेक्टर ग्रोथ काफी अच्छी हो गई, ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड लूजनिंग ऑफ फॉरेक्स कंट्रोल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर एंड सून मेनी सिटीज जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव एक्सेट्रा जो है इमर्ज एज अ पोस्टर बॉय सिटीज ऑफ द इंडियन सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर। तो हमने ओपन अप किया अपनी इकोनॉमी को, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो काफी ईजी हो गया, एंड टेक्नोलॉजी का जो पास होना है वो भी काफी ईजी हो गया, एंड फॉरेक्स भी हमारा ठीक ठाक चल रहा था, इस वजह से भी और बूस्ट मिला आपके आईटी सेक्टर को, काफी फायदा लिया आईटी सेक्टर ने इस चीजों से। तो काफी सिटीज जो है वो इमर्ज होगी एज ए पोस्टर बॉय सिटीज ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर, और बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे अर्बनाइजेशन भी इन सिटीज की काफी ज्यादा हो गई क्योंकि इन सिटीज में काम इतना अच्छा चल रहा था, तो इकोनॉमी भी इनकी अच्छी चल रही थी, तो ऑब्वियसली इनको सर्विसेज भी काफी अच्छी प्रोवाइड होने लगी, वहां की सड़कें अच्छी हो गई, वहां का म्युनिसिपैलिटी सिस्टम वो सारा सब कुछ अच्छा हो गया, फाइन, एंड वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो है काफी अच्छे लेवल जो है उनको मास लेके प्रोवाइड करी गई, एंड ऑल्सो कंपनी इट वॉज ऑल्सो कंपनी बाय प्रॉब्लम रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। हमने देखा हुआ ऑलरेडी अर्बनाइजेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो वही प्रॉब्लम हमें इन जगहों पर भी देखने को मिली। As of 2020, India का जो IT workforce है accounted for around 4.36 million employees and Indian IT and ITE sector close to $200 billion worth revenue of that year, ठीक है, चाहो तो ये भी याद आप रख सकते हो। Another area in which India did remarkably well is a pharma and आपका biotechnology sector, and India जो है largest producer है generic drugs का। A section of India जो है वो skeptical था over the conditional aid that India received in 1991 and subsequent general liberalization of the Indian economy, लेकिन जो results हैं were indeed salutary in the short term, ठीक है। तो although एक section oppose करेगा ही, ये हर नए model में होता है, कोई भी अब नया model लेके आओ चाहे वो कितना भी beneficial हो, एक section हमेशा होगा जो उसको oppose करेगा। तो यहाँ पे कितना ही grow किया, कितनी GDP के कहाँ से कहाँ तक increase हो गई वो आप यहाँ से देख लोगे। और एक बात देख लो, the period of Hindu rate of growth was over
फॉर ऑल प्रैक्टिकल purposes, बट मेनी एरिया स्टिल नीडेड ग्रेट अटेंशन. अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ये टर्म जो है ये किसने कॉइन किया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1970 में. तो ये बोलता है कि लो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन जीडीपी फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स, ये उसको डिपिक्ट करता है कि एवरेज ग्रोथ रेट जो है इंडिया जीडीपी की 1950 ऑनवर्ड्स कितनी कम थी. ठीक है, तो वो जो कम ग्रोथ रेट था वो वाला टाइम भी हमारा ओवर हो गया था. डीरेगुलेशन ऑफ लेबर लॉज, इनएडिक्वेट अटेंशन ऑन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, किन किन चीजों पे अटेंशन की जरूरत अभी भी थी. ऑल्दो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट वाला टाइम चला गया था, दैट मीन जो लो एवरेज ग्रोथ रेट हमारी हो रही थी जीडीपी की वो फेज ओवर हुआ था, लेकिन कुछ एरियाज को अभी भी अटेंशन की जरूरत थी, जैसे आपका डीरेगुलेशन ऑफ लेबर लॉज, इनएडिक्वेट अटेंशन ऑन कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ट्रेड डेफिसिट सब्सिडीज वगैरह, इस पे अभी भी काम होना बाकी था. फाइन, consumer choice has increased phenomenally since then and as of today with almost complete integration of Indian economy with global economy, almost every production good is now at arm's length of every Indian. ठीक है, तो consumer choice भी increase होगी. मैंने कहा foreign में आप जो वही brands use करते हो, India में जो वही brands use करते हो, तो जो चीज हमें चाहिए वो हमारे पास अभी भी available है. तो काफी अच्छी चीजें हुई. And then government ने भी काफी steps लिए, जैसे easy loans दिए MSMEs को इम्प्रूव करने के लिए, उनको इजी लोन्स प्रोवाइड किए गए, एस्टैब्लिश किए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स लाइक मुद्रा बैंक, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड सो ऑन. तो काफी चीजें जो है गवर्नमेंट भी नया इनिशिएटिव्स लाता रहता है ताकि आपका जो बिजनेस ये है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सारी चीजें जो आपका जैसे क्या होगा आपका ट्रेड जो है फ्री ट्रेड वो प्रमोट हो एंड जो इकोनॉमी है आपकी वो बूस्ट करे. लेकिन अभी भी इसमें भी आप नेगेटिव आप क्या देखोगे कि जो लार्ज कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डोमिनेंस काफी ज्यादा है. इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी एडेड $43 बिलियन टू हिज पर्सनल वेल्थ इन 2021. वो वाला टाइम है जब इंडियन इकोनॉमी जो थी काफी ज्यादा बुरे हाल में चल रही थी ड्यू टू कोविड पैंडेमिक. ठीक है, उस टाइम पे अडानी की वेल्थ में $43 बिलियन एड हो गए. तो आप बोल सकते हो कि लॉप साइडेड है, अगेन जहां से स्टार्ट किया था टॉपिक वहीं फिनिश करते हैं. कॉलोनियल रूलर्स के टाइम पे भी लॉप साइडेड ग्रोथ थी, अभी लॉप साइडेड इस केस में है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी ज्यादा फायदा होता है. तो लॉप साइडेड है ये रीजनली भी एज वेल एज सोशली भी, कि सोशल आस्पेक्ट्स में भी इनइक्वालिटी है एंड इकोनॉमिकल आस्पेक्ट्स में भी जो है आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी विद इन इंडिया. ठीक है, आई थिंक ये काफी बड़ा टॉपिक एक था, ये हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में क्योंकि इसे काफी टॉपिक्स एंड काफी बड़े बड़े डिटेल में दिए हुए हैं. तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.